हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आई एस मैराथन एंड हियर आई एम विद अ न्यू लेसन। गाइस, दिस इज द पार्ट टू जो आपका मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर हम देख रहे हैं, अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है ना, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, डिमांड क्या थी, कंपोजिशन क्या था। अब हम देखेंगे, वर्किंग भी देख रहे थे हम, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तक देख लिया। हम देखेंगे क्या क्या चेंजेस आए बेसिकली इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू, किसके अंदर, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन चेंजेस आए थे वो हम इसके अंदर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यस, तो सबसे इम्पोर्टेंट थोड़ा सा बैकग्राउंड है इसका कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना, जो अब तक बॉयकॉट किए हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, अब उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आने लग गए ग्रेजुअली, है ना। उन्होंने ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया, पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोसीडिंग्स में। तो अप्रैल 28, 1947 को 6 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आए, प्रिंसली स्टेट्स हैं बेसिकली, जिनमें से बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, पटियाला, रेवा और उदयपुर, ठीक है, ये असेंबली के पार्ट बन गए। अब माउंटबेटन प्लान तो था ही June 3, 1947। अब उसके अकॉर्डिंग पार्टीशन होना था, है ना। तो अब बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स के जो थे वो क्या कह रहे थे, उन्होंने सीट्स तो ली अपनी, और मुस्लिम लीग जो था इंडियन डोमिनियन में अंदर, जो मुस्लिम लीग था बेसिकली, उसने क्या किया, वो भी असेंबली के अंदर पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लीग इंडिया में भी थी। अब तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस लेकर के आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 इसके अंदर। सबसे पहले कि असेंबली जो होगी वो फुली सोवरेन बॉडी होगी, है ना, जो कॉन्स्टिट्यूएंट बनाएगी। द एक्ट एम्पावर्ड द असेंबली कि वो कोई भी लॉ को एब्रोगेट कर सके, ऑल्टर कर सके, मॉडिफाई कर सके, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अभी तक इंडिया के रिलेशन में बनाया है। अब सेकेंड क्या है इसके अंदर, इंडिपेंडेंस एक्ट ने क्या बदलाव किया हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो ये है सर एंड मैम कि लेजिस्लेटिव बॉडी को बना, असेंबली को इन्होंने कहा कि लेजिस्लेटिव बॉडी भी है। अब इसका मतलब क्या है, देखो दो सेपरेट फंक्शंस दिए गए थे इन लोगों को, है ना। पहला तो ये कि ये कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाएगी, दूसरा ऑर्डिनरी लॉज भी बनाएंगी। अब वो कब बनाएंगी, सेपरेट डेज पर, ठीक है, यानी कि कुछ दिन डिसाइड किए हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, कुछ डिसाइड किए हैं आपके लेजिस्लेटिव फंक्शन करने की, है ना। तो ये इस तरीके से फर्स्ट डोमिनियन लेजिस्लेचर बनी हमारी, है ना, फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब जब भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी हमारी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, तब तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसको हेड करते थे, चेयर करते थे। और जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी का वर्क करती थी, जब जीवी मावलांकर ये क्या करते थे, फॉर द फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बेसिकली नवंबर 17, 1947 में पहली मीटिंग हुई थी हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी की, यानी कि ऑर्डिनरी लॉज बनाने की। जी मावलांकर सर को बनाया गया यहाँ पर इनका हेड, यानी कि जब भी लेजिस्लेचर का काम करेगी तो जी मावलांकर सर क्या करेंगे, हेड करेंगे, और जब कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे, है ना। अब आपको बता दूँ, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा स्कॉलर पर्सन थे, है ना, और जी मावलांकर थोड़े से गर्म मिजाज के पर्सन थे, है ना। अब ये कब तक चलता रहा, ये चलता रहा आपका 1949 नवंबर 26, डेट याद है आपको, यस, ये हमारा इंडिपेंडेंस आई मीन कॉन्स्टिट्यूशन डे वन बोला जाता है इसको, आज हम मनाते हैं इसको। कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट ऑफ द पार्ट हमने इस दिन अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है, बाकी हमने अडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1950। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम लीग के जो मेम्बर थे वो मतलब पाकिस्तान के जो पार्ट में चले गए, अब उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से विड्रू कर लिया। तो अब 2389 सीट थी पहले, जिसके अंदर मुस्लिम लीग भी थी, है ना। अब ये आ गई कम होकर के 299, यानी कि जैसे कि आप, मैंने आपको बताया था कि एक्ट के अकॉर्डिंग 389 सीट्स होनी चाहिए, लेकिन अब लैंड चली गई, टेरिटरी चली गई, तो सीट्स का भी हम क्या करेंगे, तो 299 अब हमारे पास टोटल सीट्स है, ठीक है। बेसिकली 389 किसने फिक्स की थी, कैबिनेट मिशन प्लान ने, है ना। तो अब जब हमारी ब्रिटिश स्टेट्स से जो इंडियन प्रोविंसेस हैं, है ना, उनकी सीट्स कम हुई, तो प्रिंसली स्टेट से भी तो होगी ना, बिल्कुल होगी। तो 229 आ चुकी थी, क्योंकि जो 93 सीट जो थी प्रिंसली स्टेट्स के पास वो कम होकर के हो गई थी 70, ठीक है, यस। तो अब स्टेट वाइज मेंबरशिप ऑफ द असेंबली एज ऑन 31 दिसंबर 1947 जो है टेबल में बता रखा है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मद्रास, बॉम्बे, वेस्ट बंगाल, यूपी, ईस्ट पंजाब,
आसाम, ओडिशा, दिल्ली, अजमेर, मेवाड़ा, इन सबको सीट्स मिला करके, उसके अलावा इंडियन स्टेट जो प्रेसिडेंट थे 70 सीट्स इनको दी गई थी, कुल मिला करके टोटल ये सीट्स हो रही थी अब आपकी 299। अब आता है कि और कौन कौन से फंक्शन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किए। देखो फर्स्ट तो इंडिया ने रेटिफाई किया हमारा इंडियाज़ की मेंबरशिप कॉमनवेल्थ के अंदर, ठीक है। डॉक्टर आई मीन जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने काफ़ी फोर्स किया था कॉमनवेल्थ का पार्ट रहने में, कि हमको बहुत फ़ायदा रहेगा इंटरनेशनल रिलेशंस में, है ना। तो यस फिर उन्होंने कहा कि हम जब चाहें जब चाहें, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट मेम असेंबली के मेंबर्स ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जब चाहें उसको लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो उसके अलावा बाद में इन्होंने नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया जो कि 22 जुलाई 1947 में अडॉप्ट किया तिरंगा। नेक्स्ट आपका आता है नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950, जिस दिन इलेक्शन हुए थे प्रेसिडेंट के। उसके अलावा फिर आपके इन्होंने अडॉप्ट किया नेशनल सॉन्ग उसी दिन, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया जनवरी 24, 1950 में, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। इनके सामने हमारे बहुत ही काबिल पर्सन खड़े हुए थे, वो थे प्रोफेसर केटी शाह, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन थे, बहुत स्कॉलर पर्सन थे। अब हम थोड़ा सा फैक्ट देखते हैं कि 11 सेशन हुए टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन, अराउंड 60 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, और फिर हमने हमारा खुद का ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया मात्र 114 दिनों के अंदर। टोटल एक्सपेंडिचर 64 लाख रुपए का आया, ठीक है, 64 लाख। और जनवरी 24, 1950 में फाइनल सेशन हुआ था, है ना। एंड नहीं कह सकते हम, क्योंकि प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो थी वो 26 जनवरी 1950 से चली टिल द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू पार्लियामेंट, है ना। और फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे 1951-52 में, उसके बाद प्रॉपरली एज अ प्रॉपर पार्लियामेंट ने काम करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्रोविजनल जो पार्लियामेंट थी वो 1952 तक ही रही थी, है ना, क्योंकि फिर इलेक्शन हो गए थे आपके। ये जो प्रोविजनल पार्लियामेंट जो थी आपकी वो 1952 तक ही तो थी, है ना, उसका इसको हटा दिया गया। और फिर दो जनरली इलेक्टेड हाउसेस बनाए गए, राज्यसभा और आपके लोकसभा, ठीक है। कब? मई 1952 में। अब कमिटीज़ देख लो सर एंड मैम, कमिटीज़ जो बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी सारी बनाई गई थी, है ना, कि ताकि वो डिफरेंट मैटर्स को टैकल कर सकें। अब इसमें 8 जो थी वो थी मेजर, और बाकी थी जो माइनर्स थी, है ना। तो मेजर में हम देखते हैं, पहली थी आपकी जो यूनियन पावर्स कमेटी थी, जवाहरलाल नेहरू इनको इन्होंने चेयर किया इसको, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ये भी जवाहरलाल नेहरू। फिर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको ऐड किया था। ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कोर्स डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज, है ना, ये सरदार पटेल ने इसको किया। फिर इसके अंदर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है एडवाइजरी कमेटी, इसके अंदर 5 सब कमेटीज़ भी थी, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, है ना, माइनॉरिटी सब कमेटी, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज कमेटी, और एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज कमेटी, ठीक है। इसमें से जेपी कृपलानी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा फैक्चुअल पार्ट है ना, तो खुद को देखना पड़ेगा। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। स्टेट्स कमेटी जो आपके जवाहरलाल नेहरू है, और स्टीयरिंग कमेटी जो कि राजेंद्र प्रसाद है। माइनर कमेटीज़ तो काफ़ी सारी थी, है ना, तो जैसे कि फाइनेंस स्टाफ क्रेडेंशियल हाउस कमेटीज़, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, है ना, एडॉक कमेटी और नेशनल फ्लैग, तो ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। याद क्या रखना है वो ये, ड्राफ्टिंग कमेटी अमंग ऑल द कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, क्योंकि इन्होंने 114 दिन के अंदर बेसिकली बहुत कड़ी मेहनत करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और इनके जो मेंबर्स थे नया कॉन्स्टिट्यूशन बना करके लाई है। हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चेयरमैन थे, एन गोपाल स्वामी अयंग बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन, और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जुडिशियल पर्सन थे, बहुत इंपॉर्टेंट। डॉक्टर के एम मुंशी बहुत हाईली स्कॉलर्ड पर्सन थे, है ना, फिलोसोफर बोल सकते हैं हम। सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, उसके बाद एन माधवा राव जिन्होंने रिप्लेस किया था बी एल मित्तर को, और टी टी कृष्णामाचारी जिन्होंने रिप्लेस किया था डी पी खेतान को। अब जितने भी कमिटीज़ थी वो इनको क्या करती थी, प्रपोजल देती थी, तो ये इनको कंसिडर करते थे, है ना। तो इन्होंने फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया फेबररी 1948 में, है ना, 8 महीने लग गए थे उसमें टू डिस्कस द ड्राफ्ट एंड प्रपोज अमेंडमेंट। उसके बाद पब्लिक में रखा, क्रिटिसिज्म हुआ काफ़ी ज़्यादा, डिबेट हुई, तो फिर सेकेंड ड्राफ्ट ये लेकर के आए अक्टूबर 1948 में, है ना। और ड्राफ्टिंग कमिटी ने टुक लेस देन 6 मंथ टू प्रिपेयर इट्स ड्राफ्ट एंड इट्स ऑल इट्स सेट ओनली 141 डेज, है ना,
तो इन्होंने 141 दिन के अंदर अपना फाइनल ड्राफ्ट बना करके सबमिट कर दिया और वो पास हो गया। अब इनेक्टमेंट किस तरीके से हुआ वो देख लेते हैं कि देखो फाइनल ड्राफ्ट जो था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उसको बनाया कब, नवंबर 4, 1948 में, जब इसकी फर्स्ट रीडिंग हुई है ना। सेकेंड रीडिंग इसकी हुई थी नवंबर 15 से लेकर के अक्टूबर 17। इतना कुछ याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि कितना प्रोसीजर था, बेसिकली क्या प्रोसीजर था। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड, थर्ड रीडिंग हुई है ना, तो नवंबर 14 को जो स्टार्ट हुई थी। फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मोशन को मूव किया, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, तो ये पास हो चुका था है ना। और फिर नवंबर 26 को इन्होंने कहा कि अब हम जो है उसको डिक्लेयर कर दिया गया पास, और फिर इन्होंने साइन किया इसको। ठीक है, सबसे पहले मेंबर्स के साइन, फिर प्रेसिडेंट के साइन, ऐसे इस तरीके से हो रहा। 299 टोटल मेंबर्स थे, मैंने कहा था 284 एक्चुअली प्रेजेंट थे और उन्होंने ही साइन किया कॉन्स्टिट्यूशन को, बाद में किया गया बाकी मेंबर्स ने। ठीक है, अब ये वाली जो डेट है 26 नवंबर 1949, आपने अगर प्रियामल पढ़ा हो तो उसी के अंदर मेंशन है वाली डेट है ना, जो कि पीपल ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू इन्होंने, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हाँ, मैंने इसको जो है नया बताया। ठीक है, तो आप एक बार कॉन्स्टिट्यूएंट प्रीएम्बल पढ़ें और आपको पता चलेगा, फिर इससे प्रीएम्बल मैं भी पढ़ाऊँगा आपको बहुत जल्दी। ठीक है, तो अब इन्होंने अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू देमसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिकली डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा प्रिपेयर किया गया प्रीएम्बल था। तो जिस टाइम ये अडॉप्ट हुआ उस टाइम हमारे पास एक प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल थे। प्रियम्बल याद रखना, बहुत बाद में इसको साइन किया गया, सबसे बाद है ना। यस, अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो उस टाइम के लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, बहुत प्रोमिनेंट हैं जिन्होंने असेंबली में डेलीब्रेशन में पार्ट लिए, और बहुत ही लॉजिकल, फोर्सफुल एंड परसुएसिव आर्ग्यूमेंट थे ये। जो चाहे वो कोई भी पर्सन हो सामने, अगर इनको आर्ग्यूमेंट सही नहीं लगता था तो उसको अपने लॉजिक्स और अपनी नॉलेज से शांत भी कर देते थे, और जिसका भी अमेंडमेंट इनको पसंद आता नहीं था वो बिल्कुल रिजेक्ट कर देते थे हैंड टू हैंड वहीं पे। और इसलिए हम इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ब्रिलियंट राइटर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, अनडिस्प्यूटेड लीडर थे शेड्यूल कास्ट के, और चीफ आर्किटेक्ट बोला जाता है, मॉडर्न मनु बोला जाता है इनको। ठीक है, यस, तो इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया का वो इनैक्ट हो चुका था। अब बारी आती है इन्फोर्स कराने की। चलो भाई, ड्राफ्ट कर लिया, हाँ इनको हमने इनैक्ट कर दिया, अब इन्फोर्स भी करा लेते हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ ऐसे प्रोविजन थे, जैसे कि पार्टनरशिप के, सॉरी सिटीजनशिप के, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्परेरी और ट्रांजिशनल प्रोविजन। अब इसके कुछ आर्टिकल्स थे, जैसे कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, और ये जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सब आपको चाहो तो याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये सब नवंबर 26, 1949 को ही बेसिकली इनको क्या कर दिया गया, इन्फोर्स में ले आया गया। ठीक है, ताकि अगले जो महीने अब हम करने वाले हैं कब, 26 जनवरी 1950 को हम हमारा मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, उसको हम क्या कर देंगे, कम इन टू फोर्स लेकर के आएंगे, और इसको हम बोलेंगे डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट, जिसको हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, अब जनवरी 26 क्यों चूज़ किया गया, वो सिंपल सी कहानी, पूर्ण स्वराज 1930 में इन्होंने इस दिन मनाया गया था। ठीक है, कि हम इस दिन, और लाहौर सेशन बेसिकली उसमें रेजोल्यूशन पास किया गया था दिसंबर 29 को, कि हम ये पूर्ण स्वराज की डिमांड करेंगे है ना। तो इसको याद करने के लिए 26 जनवरी को हमने अपना रिपब्लिक डे बना दिया। ठीक है, अब इसी के साथ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिपील कर दिया गया, और अबोलिशन ऑफ द प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट ये जो है वो कंटिन्यू किया गया, बाद में जाकर के हम उसको हटाएंगे, देखना। क्रिटिसिज्म देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, क्रिटिसिज्म क्या है। सबसे पहला ये बोलते हैं कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, बिकॉज इट इज़ नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव। अब देखो इसमें बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, जैसे कि वेस्ट के स्कॉलर्स हैं है ना, आपके ग्रैनविल ऑस्टिन है और बहुत सारे हैं। तो अब इन सब ने किया है क्रिटिसाइज हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। इन्होंने कहा कि पहला तो नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो पर्सन थे वो जो इलेक्टेड नहीं थे। ठीक है, डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किए गए थे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे बेसिस पर। ठीक है, इसलिए कहते थे कि सब लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं ये लोग। दूसरा, सोवरेन बॉडी नहीं है, सोवरेन बॉडी नहीं है, क्योंकि ये कहते थे कौन, क्रिटिक्स, कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो सोवरेन बॉडी नहीं है, एज इट वॉज क्रिएटेड बाय द प्रपोजल्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। खुद से नहीं बनाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रपोज किया तब बनाई।
और ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन से इसके सेशंस होते थे पहले, इसलिए से थर्ड क्या है टाइम, थर्ड क्या टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग कैसे, इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, ठीक है। अब इन्हें क्या पता कि वर्ल्ड में और भी कंट्रीज़ है जिनके 70s तक, भले आज़ादी हमको 20-20 सालों तक भी इनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता है। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, है ना। अब जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने क्या किया था, 4 महीने में बना दिया था। अब इस तरीके से होता है। तो हमारे एक बहुत ही माननीय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे नज़रुद्दीन अहमद, जिन्होंने क्या कहा था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्टिंग कमेटी को, ड्रिफ्टिंग कमेटी यानी कि अपने मेन मुद्दे से हट जाती है और ड्रिफ्ट हो जाती है कभी भी, ठीक है। तो इसका बहुत ही उम्दा आंसर दिया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, लेकिन डॉक्टर जो ये हमारे नज़रुद्दीन अहमद थे वो कंटिन्यूसली फिर भी बोलते थे ड्रिफ्टिंग कमेटी, ठीक है, सरकेस्टिकली। थर्ड फोर्थ है आपका डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस। अब ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है, जो कि एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो वन पार्टी बॉडी थी, ठीक है, वन जो कि इसेंशली वन पार्टी कंट्री है। द असेंबली वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया, ये कहा गया ग्रैनविल ऑस्टिन के थ्रू। लोअर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, अब इन्होंने कहा था आपके एच टी कामत करके एक बहुत ही एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, जिन्होंने कहा था कि ये लॉयर्स पैराडाइज है, लॉयर्स पैराडाइज, क्योंकि अब ये जो लॉयर्स है ना, ये सब लॉयर्स और पॉलिटिशियन है इसके अंदर सब, है ना। तो इन्होंने कहा कि ये इन्हीं से डोमिनेट है। अब जितना कॉम्प्लिकेट ये बनाएंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा है लॉयर्स को, आगे जा करके काम मिलेगा उनको, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने कहा। सिक्स्थ है डोमिनेटेड बाय द हिंदूज, इन्होंने कहा कि हिंदू ही जो थे यहाँ पर डोमिनेट करते थे, ठीक है। विस्कॉन्ट साइमन ने कहा कि इट्स अ बॉडी ऑफ हिंदूज। विंस्टन चर्चिल ने भी कहा गया कि कमेंट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, इट इज़ द ओनली वन मेजर कम्युनिटी ऑफ इंडिया, जिसका जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बहुत ही उम्दा तरीके से बताया। और ऐसे ही नहीं, उन्होंने क्या करा, इन्होंने भरी सभा में जो विंस्टन चर्चिल ने इनके इस स्टेटमेंट को खारिज कर दिया, निंदा की इसकी काफ़ी ज़्यादा। और वो भी ऐसे नहीं, एम्पेरिकली इन्होंने पूरे फैक्ट्स के साथ बताया कि हमारे पास मुस्लिम्स हैं, हमारे पास वुमेंस हैं, हमारे पास शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स से पर्सनस हैं, है ना, एंग्लो इंडियन से, सबका इन्होंने एम्पेरिकली एविडेंस दे करके विंस्टन चर्चिल के इस स्टेटमेंट को, कमेंट को निंदा की उसकी काफ़ी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो जो वनडे एग्जाम्स होते हैं ना उसके अंदर पूछे जाते हैं आजकल, ठीक है, यूपीएससी में नहीं पूछते हैं, फिर भी बता देता हूँ जल्दी से। एलिफेंट जो है वो सिंबल क्या, सील ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया। सर बी एन राव, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सर का इनको बेसिकली अटैक भी लगा। कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र थे ये, लीगल एडवाइज़र कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने खुद इनको काफ़ी ज़्यादा सम्मान किया, और जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तारीफ़ हो रही थी तो उन्होंने भीमराव बी एन राव को स्पेशली थैंक्स बोला और पूरी कमेटी को थैंक्स बोला, ठीक है। एच वी आर अयंगार जो थे सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, ठीक है। एस एन मुखर्जी थे चीफ ड्राफ्ट्समैन थे कॉन्स्टिट्यूशन के, एस एन मुखर्जी याद रखना, चीफ ड्राफ्ट्समैन। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो कैलीग्राफर थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन्होंने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ से लिखा, है ना, वो भी इटालिक स्टाइल में। नेक्स्ट है ब्योर राम मनोहर सिन्हा, जिन्होंने ब्यूटिफाइड किया, ऑर्नामेंट किया हमारे प्रियाम्बल को, और जो कि ओरिजिनली एक कैलीग्राफ किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, है ना। फिर उसके बाद हिंदी वर्जन बनाया गया ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि वसंत कृष्ण वैद्य, ठीक है, इन्होंने इसको डेकोरेट किया और इल्यूमिनेट किया बाय द नंदलाल बोस। अब इसके अंदर काफ़ी सारी टेबल्स हैं जिसके अंदर बताया गया मेंबर्स के बारे में और कौन कौन से सेशन कब कब हुए, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आप बुक लोगे तो आप खुद देखना उसके अंदर से, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, यहाँ मैं समझा रहा हूँ आपको। अब देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन सी कंट्रीज़ ने कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने में कितना टाइम लिया। यूएसए में जब बनाया गया था 7 आर्टिकल्स थे मात्र, ठीक है। आज मुझे बताओ कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, है ना, मुझे बताना कॉमेंट्स में। इनका वर्किंग पीरियड था लगभग 4 महीने से भी कम टाइम में इन्होंने बना लिया 1787 में। कैनेडा के में 147 आर्टिकल्स थे, इन्होंने 2 साल 6 महीने में बना लिया था। ऑस्ट्रेलिया में 128 आर्टिकल्स थे, 9 ईयर्स लग गए थे इनको बनाने में। और साउथ अफ्रीका में 1 साल में बन गया था, 153 आर्टिकल्स थे। इस तरीके से आपका चैप्टर 2 मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होता है। अगले लेसन में हम पढ़ेंगे सेलियंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, ठीक है। तो
तो मिलते अगले सेशन, जब तक ले स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू, कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट चाहिए आप सबका, मैं है ना, तो याद रखना एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।